सन्यासन बनने के लिए एक्ट्रेस ने पति को छोड़ दिया। 3 साल से पति से रह रही थी अलग नुपुर अलंकार। घर परिवार से नाता तोड़ पहन चुकी हैं भगवा चोला। मुंबई छोड़ मंदिर मंदिर घूम रही हैं एक्ट्रेस। टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं नुपुर अलंकार। उन्होंने 150 से ज्यादा सीरियल्स में काम किया, लेकिन अब वो लाइट कैमरा और एक्शन की दुनिया छोड़ अध्यात्म से जुड़ गई हैं। उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास ले लिया है। आपको बता दें, साध्वी बनने से पहले ही नुपुर अलंकार ने अपने पति को छोड़ दिया था। एक्ट्रेस ने अपनी शादीशुदा जिंदगी पर हाल ही में खुलासा किया। उनकी माने तो पिछले 3 सालों से वो पति से अलग रह रही थी। नुपुर और उनके पति के बीच प्यार, कनेक्शन, इक्वेशन सब कुछ खत्म हो गया है। रिश्ते में कोई स्पार्क नहीं बचा था और उनके बीच एक दूसरे के लिए कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं था। दोनों ने रिश्ते सुधारने की काफी कोशिश भी की थी, मगर कामयाब नहीं हुए। इसके बाद दोनों ने ही दूरी बनाना बेहतर समझा और फिर धीरे धीरे अपनी शादी तोड़ दी। नुपुर और अलंकार ने लीगली तलाक नहीं लिया है, लेकिन 3 सालों से दोनों में पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है। नुपुर की शादी एक्टर अलंकार श्रीवास्तव से साल 2002 में हुई थी। नुपुर ने संन्यास लेने के लिए अपने पति से पूछा तक नहीं था। नुपुर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मुझे पता था कि मैं क्या करने जा रही हूं, क्योंकि संन्यास लेने के बारे में मैंने एक बार उनसे बात की थी। उन्होंने मुझे मेरा फैसला लेने के लिए फ्री छोड़ दिया और उनकी फैमिली ने भी मेरे डिसीजन को एक्सेप्ट किया। मैं अलंकार के लिए अच्छे की कामना करती हूँ। हम साथ नहीं हैं, लेकिन हमने अलग होने के लिए कोई लीगल स्टेप भी नहीं लिया है। बता दें, साल 2002 में नुपुर अलंकार कोविड लॉकडाउन के वक्त पैसों की तंगी से जूझ रही थी। उस वक्त उनकी माँ बहुत बीमार थी। माँ को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए पैसे की जरूरत थी। एक्ट्रेस की फ्रेंड रेणुका सहाने ने फेसबुक पर नुपुर की बैंक अकाउंट डिटेल के साथ उनके लिए हेल्प मांगी थी, जिसके बाद अक्षय कुमार ने आगे बढ़कर नुपुर की हेल्प की थी। अक्षय की मदद के बाद भी नुपुर की माँ नहीं बच सकी। साल 2020 में माँ के निधन के बाद नुपुर मोह माया से दूर होने लगी। उसी दौरान एक वर्कशॉप में नुपुर की मुलाकात एक आध्यात्मिक गुरु से हुई थी। उनसे प्रभावित होने के बाद नुपुर ने साध्वी बनने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने 27 साल के करियर को दांव पर लगाकर अध्यात्म का रास्ता चुन लिया। बता दें कि 49 साल की नुपुर ने इसी साल फरवरी में संन्यास ले लिया था। वो अब टीवी इंडस्ट्री और मुंबई को छोड़कर देश के मशहूर मंदिरों में घूम रही हैं। पूरी तरह से वो अध्यात्म और मानव सेवा में अपना जीवन बिता रही हैं। नुपुर अलंकार ने साध्वी बनने के लिए एक झटके में अपना अच्छा खासा करियर छोड़ दिया। यह एक्ट्रेस शक्तिमान, घर की लक्ष्मी बेटियां, दिया और बाती हम, राजा की जैसे शोज में काम कर चुकी हैं। नुपुर ने सोनाली केबल और सावरिया जैसी मूवीज में भी काम किया था, लेकिन भक्ति की राह पर चलने के लिए वो एक्ट्रेस से सन्यासन बन गई। पति का साथ छोड़ने और तलाक के बाद उन्होंने अपना खर्चा चलाने के लिए मुंबई वाला घर किराए पर दे दिया है। वो अब साधुओं के साथ घूमती हैं। संन्यास लेने के बाद नुपुर सादा जीवन जी रही हैं। उन्होंने अन्न खाना छोड़ दिया है। दिन में एक पपीता और एक सेब खाती हैं। उनके पास सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े और 1 जोड़ी चप्पल है। नुपुर ने बताया कि उनके लिए बस इतना ही काफी है और वो अपने खर्चे के बारे में चिंतित नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। हालांकि नुपुर अलंकार सोशल मीडिया पर अब भी बनी हुई हैं और अपने लेटेस्ट वीडियो शेयर करती रहती हैं। वो साध्वी वाली जिंदगी से जुड़ी पिक्चर्स और तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं।